हेलो फ्रेंड, मेरा नाम निशांत कुमार सिंह है और मैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, आनंद सेक्शन 2 में। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या ये देखिए, ये है बुलेट ट्रेन का पियर कैप जिसका लेंथ 10 मीटर के आसपास है। वो जो टॉप लेवल का पियर कैप पेमेंट है 2.6 मीटर। किसको देना है? देना नहीं है, रिचार्ज करना है। हम जा रहे हैं, रिचार्ज करना है अहमदाबाद। रिचार्ज मैं कैसे करूंगा बताओ? रिचार्ज नहीं होगा तेरे पास। मैं आप लोग देखते रहिए, इस तरह से बहुत सारे पियर बने हुए हैं। गूगल पे फोन पे नहीं होगा? फोन पे मैं ज्यादा पैसा करता है इसलिए मैं करता ही नहीं। तो फिर ऐसा कर और तुमके डाल दे, कर देगा रिचार्ज। ये कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पियर कैप और पियर कैसे तैयार किया जाता है। और इसके नीचे का पियर पाइल कैप है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइल कैप का सेटिंग और कंक्रीट कास्टिंग कैसे होता है। चेक कर लूं मेरा अकाउंट, मुझे पता नहीं है क्योंकि अकाउंट में देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो मैं आपको डालते रहूंगा। यहाँ पे अभी काम स्टार्ट ही हुआ है, बहुत सारे चीज हैं जो रिचार्ज प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये जो पियर कैप है इसके ऊपर बॉक्स गर्डर डाला जाएगा जिसका लेंथ है 40 मीटर लंबा है। तो आ रहा हूँ मैं। ये पूरा फुल बॉक्स टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं FSLM, जिसका फुल फॉर्म होता है फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड। आ जाने दे, तू तो रुक जा। दोस्तों ये जो पियर है, दो पियर के बीच का दूरी जो है 40 मीटर रखा गया है। इसी तरह ये रोड के पास है ना, तू 7,382 रुपए रोड के पास। अरे यार इतना पैसा है? अरे भाई 7,382 रुपए बहुत पैसे है अभी। अरे भाई वो देख, आगे देख, 7,382 बचा है। तो मैं तो जो बचा है तो देखना वो डेयरी वाला तो खर्चा हुआ।